पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू x और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। यानी ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द बाउंडेड एरिया, यानी वो एरिया निकालना है जो कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू x y इक्वल टू x x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 के द्वारा बाउंडेड हो, यानी घिरा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवेन दैट दिया हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या दिया है, y इक्वल टू x भी दिया है, x इक्वल टू 0 भी दिया है एंड x इक्वल टू 3। चलिए इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लिया। ठीक, इतना चीज दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले तो कर्व लेते हैं। देखिए पहले यहाँ इक्वेशन देखते हैं कौन किसका है। ये परवलय का है, ये किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। ये x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस का है और x इक्वल टू 3 ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब हम लोग फिगर बनाते हैं। पहले एक्सिस जनरेट करते हैं, y y डैश x x डैश। ठीक, अब इसके जस्ट पर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं y स्क्वायर x प्लस 2। इसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर होता था, यानी y इक्वल टू x स्क्वायर का मतलब ये होता था कि ये क्या है, ये y के परितः सममित है, यानी y के परितः क्या है, ये सिमेट्रिक है। हिंदी बोले तो सममित, इंग्लिश बोले तो सिमेट्रिक। y एक्सिस के क्या, y एक्सिस के परितः सममित है x स्क्वायर इक्वल टू y, तो y के सममित है। तो ये किससे होता था, ये जीरो से होके जाता था, ओरिजिन से होके जाता था, जीरो जीरो से। लेकिन वही देखिए यहाँ क्या कर दिया, टू डाल दिया। जब x इक्वल टू जीरो डालते हैं तो y का मान क्या आता है, टू। तो x इक्वल टू जीरो यहाँ, y इक्वल टू टू, यानी यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो कटोरा था जीरो से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। यही किसका इक्वेशन है, यही वाला इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसके जस्ट बाद। अब अगला देखिए, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x दिया, तो y इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू x दिया है, तो यहाँ ये किसका है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जब x इक्वल टू जीरो करते तो y भी जीरो हो जाता है, यानी ये ओरिजिन से होकर जाएगा। चलिए इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू x। अब इसके जस्ट बाद अब देखिए कौन सा बोल रहा है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो यानी y एक्सिस। अब क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 3, तो 0 1 2 और 3, यहां 3 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ऐसे। ये मान लिए यहां जो है x इक्वल टू हमारा 3 है, तो ये इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 3 का। अब क्या बोला है, बोला है कि परवलय का इक्वेशन y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x और x इक्वल टू 3 द्वारा बाउंडेड एरिया का एरिया निकालना। तो चलिए हमारा कौन सा एरिया हुआ, यही ना हुआ, ये हो गया। अब ये हो गया तो बताइए अब क्या करेंगे, हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे। यहाँ तो हमारा क्या होगा, दोनों का कटिंग पॉइंट निकालेंगे, x इक्वल टू 3 है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा ही आएगा, और y कोऑर्डिनेट के लिए इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, 3 को इसमें डालेंगे तो कितना, 9 to 11, यानी इतना हो गया। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि शेडेड एरिया निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट ले लेते हैं और x एक्सिस पे एक स्ट्रिप ले लेंगे, x एक्सिस पे एक ऐसा स्ट्रिप ले लेंगे, x एक्सिस पे एक स्ट्रिप लेंगे, तो इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लेंगे तो हमारा ये नहीं निकल जाएगा। पहले बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हम लोग किए हुए हैं। चलिए अब इसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 3, स्ट्रिप लिए हैं dx पे। अपर कर्व का इक्वेशन क्या है, अपर कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 यानी x स्क्वायर प्लस 2 माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व y इक्वल टू x। इसको इंटीग्रेट कीजिए, हो जाएगा
एक्स थ्री बाई थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। वैल्यू कहां से कहां तक? जीरो से थ्री तक। देखिए क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन में पावर एक जुटता है, जितना होता है उसे डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स था तो एक था, एक और आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। वैल्यू डालिए, थ्री डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन बाई थ्री प्लस टू इंटू थ्री माइनस नाइन बाई टू माइनस ये सब डालिएगा सब जगह एक्स है तो ये क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू ये कटेगा तो हो जाएगा नाइन, नाइन प्लस सिक्स माइनस नाइन बाई टू यानी ये हो जाएगा फिफ्टीन माइनस नाइन बाई टू यानी थर्टी माइनस नाइन बाई थर्टी माइनस नाइन बाई टू यानी ट्वेंटी वन बाई टू स्क्वायर स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर माइनस वन कॉमा जीरो वन कॉमा थ्री एंड थ्री कॉमा टू। यानी ये कह रहा है क्या, समाकलन यूजिंग इंटीग्रेशन यानी समाकलन का उपयोग करते हुए फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड यानी एक ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष माइनस वन कॉमा जीरो वन कॉमा थ्री एवं थ्री कॉमा टू दिया हुआ है। लेट द पॉइंट्स ए लेट द पॉइंट्स ए वन कॉमा जीरो बी वन कॉमा थ्री एंड थ्री कॉमा टू। इतना लेट द पॉइंट्स ए इतना बी इतना एंड सी सॉरी यहां हो जाएगा सी इसको मान ली। चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये हो गया मूल बिंदु। क्या बोल रहा है माइनस वन जीरो यानी एक्स एक्सिस पे माइनस वन इधर कहीं होगा y इक्वल टू जीरो यानी ये हो गया माइनस वन कॉमा जीरो। इसके बाद में x का वैल्यू वन यहां होगा y का वैल्यू थ्री बोल रहे वन टू थ्री यानी हमारा यहाँ हो गया वन थ्री। ये b पॉइंट है, ये हमारा a पॉइंट है और इसके जस्ट बाद c पॉइंट तो ये हो जाएगा c पॉइंट थ्री वन टू थ्री और टू यानी यहाँ है थ्री कॉमा टू ये है हमारा सी पॉइंट। सबको आपस में मिला दीजिए, सबको मिलाने से एक ट्रायंगल बना। सबको मिलाने से एक ट्रायंगल बना ये कितना है ये थ्री है ये कितना है ये वन है इधर कहीं टू होगा वन टू थ्री हो गया क्योंकि देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू वन और थ्री है तो यहाँ वन होगा और यहाँ थ्री होगा। शेडेड एरिया बोला तो यही होगा। चलिए अब शेडेड एरिया निकालना है तो शेडेड एरिया निकालने के लिए देखिए लिमिट का जो मान है यानी जो हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा वो डायरेक्ट हम माइनस वन से यहां तक नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक हम नहीं जाएंगे। अगर यहां से यहां तक जाते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लेते हैं तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन देखिए यहां पे क्या है, यहां दूसरा कर्व है और यहां दूसरा कर्व है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा एक बार माइनस वन से वन तक लेना पड़ेगा इतना पार्ट, माइनस वन से वन तक हमको लेना पड़ेगा माइनस वन से वन तक इतना लेना पड़ेगा यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। फिर अगले बार में क्या करेंगे अगले बार में वन से थ्री लेंगे यानी उसके लिए इस कर्व का इस्तेमाल करेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। चलिए तो ये क्या बोला है इंटीग्रेशन मेथड बोला है। इंटीग्रेशन मेथड के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन निकालना है ठीक है। ए बी का इक्वेशन निकालना है तो y देखिए इसमें क्या होता है ना अगर दो पॉइंट एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं अगर दो पॉइंट दिया हुआ है ये a है और ये b है a को क्या माननी है x1 और y1 माननी है
और इसको मानते हैं एक्स टू और वाई टू, तो इसका इक्वेशन लिखना है तो होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इक्वेशन लिखते समय में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अलेवेंथ में। चलिए y माइनस वाई वन, तो y1 क्या हो गया जीरो इक्वल टू वाई टू यानी थ्री माइनस जीरो बाई वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी माइनस वन ठीक। अब इसका हो जाएगा y इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन किसका आ गया, ये इक्वेशन हमारा आ गया ए बी का ठीक है, इसको आप साफ कर देते हैं। चलिए ए बी का ये इक्वेशन आ गया, ए बी के बाद में इसी प्रकार निकालेंगे इक्वेशन ऑफ किसका, इक्वेशन ऑफ बी सी, बी सी का इक्वेशन निकालते हैं। बी सी के इक्वेशन के लिए इसको एक्स वन वाई वन मान लिए, इसको एक्स टू और वाई टू मान लिए, तो बी सी के इक्वेशन के लिए वाई माइनस y माइनस वाई वन यानी थ्री, उसके बाद में क्या होता है y टू यानी टू माइनस थ्री बाई एक्स टू यानी थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन ठीक। तो ये हो जाएगा y माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटू एक्स माइनस वन, थ्री को उधर भेजिए y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस सेवन बाई टू। ये इक्वेशन किसका हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपका bc का, bc का हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे ac का निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ac, इक्वेशन ऑफ ac निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे, यानी इसका इक्वेशन ऑफ निकालना, अभी इसका निकाले हैं फिर उसके बाद इसका निकाले, शुरू में इसको निकाले हैं ए बी को, फिर ये बी सी निकाले, अब क्या निकालना है, अब ये निकालना है ए सी को। जब ए सी का इक्वेशन निकालेंगे तो होगा वाई माइनस वाई वन यानी जीरो इक्वल टू वाई टू यानी टू माइनस जीरो बाई थ्री माइनस माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस एक्स वन तो ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन, तो ये वाई इक्वल टू हो जाएगा टू बाई थ्री एक्स प्लस वन ठीक है। ये वगैरह ये हमारा हो गया एसी का इक्वेशन ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको इधर सॉल्व कर देते हैं इतना साफ करके। उसके बाद से हम लोग क्या, चलिए रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। चलिए रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या होगा, यानी शेडेड एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितना पार्ट को लेंगे, इतना पार्ट को लेने के लिए यानी माइनस वन से वन तक इंटीग्रेट करके निकालेंगे, लोअर लिमिट माइनस वन, लोअर लिमिट माइनस वन और अपर लिमिट वन लेंगे, यानी यहां से यहां तक के बीच में निकालेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये निकल जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, वन से थ्री के लिए लेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, ये निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे वो निकल, सॉरी यहां देखिए फोर हो जाएगा वन बाई टू, यानी वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वन, वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, माइनस वन से वन तक स्ट्रिप जो लेंगे एक्स एक्सिस पे लेंगे अपर कर्व, अपर कर्व कौन सा है एसी, एबी है, एबी का क्या है थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वन अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व कौन सा है एसी है, यहां से यहां तक एसी कर्व है ना, तो एसी का इक्वेशन क्या है,
वन बाय टू एक्स प्लस वन, ये हो गया एक पार्ट का। प्लस इंटीग्रेशन वन से कहां तक, थ्री, वन से थ्री तक के लिए अपर कर्व बीसी, बीसी का क्या वैल्यू है, माइनस एक्स बाई टू प्लस सेवन बाई टू। उसके बाद माइनस लोअर कर्व कितना है, लोअर कर्व कौन सा होगा, एसी ही होगा ना, ये लोअर कर्व के लिए भी एसी का ही इस्तेमाल हुआ है, तो एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाय टू एक्स प्लस वन। चलिए पहले इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा, वैल्यू डालने में अच्छा रहेगा। ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू डी प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वन से थ्री माइनस एक्स बाई टू प्लस सेवन बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्लस सेवन बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू डी एक्स। चलिए देखिए, माइनस वन से वन, ये क्या हो गया, थ्री एक्स, थ्री एक्स में से वन एक्स किया तो टू एक्स बाई टू प्लस, यहां देखिए थ्री एक्स में से थ्री में से वन गया टू बाई टू, ये हो गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। यहां देखिए माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस टू एक्स बाई टू, यहां वन से थ्री तक है माइनस टू एक्स बाई टू प्लस, ये क्या हो गया, सेवन में से वन गया सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू डी एक्स। अब काट दीजिए, माइनस वन से वन, टू से टू गया एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस वन से थ्री तक में टू से टू गया माइनस एक्स प्लस थ्री डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस वन से वन तक, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स वन से थ्री तक। डालिए एक बार अपर लिमिट डालिए, वन बाई टू प्लस वन माइनस लोअर लिमिट डालिएगा, वन बाई टू माइनस वन प्लस, इसके लिए डालिए, ये लोअर लिमिट के लिए हो गया, इसमें अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट डालिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस नाइन बाई टू प्लस नाइन, जब इसको थ्री डालिएगा तो क्या हो जाएगा, नाइन बाई टू प्लस नाइन माइनस, अब बोलिए क्या होगा, वन डालिएगा तो माइनस वन बाई टू प्लस थ्री इंटू वन, सॉल्व किया जाए ये हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस, यहाँ जाएगा तो माइनस वन बाई टू प्लस, ये जाएगा तो नाइन बाई टू हो जाएगा, नाइन बाई टू माइनस 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 प्लस वन बाई टू सॉरी माइनस, ये इधर जाएगा तो सिक्स, तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू, यानी बोले तो थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस नाइन बाई टू माइनस फाइव बाई टू, यानी टेन, टेन थर्टीन माइनस फाइव बाई टू, यानी हो जाएगा एट बाई टू स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड का उपयोग करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड साइड्स हैव द इक्वेशंस y equal to 2x plus 1, ये कौन सा इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, y equal to 3x plus 1, ये भी स्ट्रेट लाइन का, एंड x equal to 4, यानी यह कह रहा है समाकलन विधि का उपयोग करते हुए, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं के समीकरण हमको दिया हुआ है इतना इतना और इतना, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है, गिवन दैट दिया है कि y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इक्वेशन फर्स्ट,
y इक्वल टू 3x प्लस 1 इक्वेशन सेकंड एंड x इक्वल टू 4 इक्वेशन थर्ड। तीनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को देखते हुए फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एस एक्स डैश वाई वाई डैश। चलिए देखिए फर्स्ट जो दिया है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे है y इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1, सेकेंड क्या है y इक्वल टू 3x प्लस 1। देखिए तो दोनों में ढाल यानी स्लोप किसका ज्यादा है, इसका 2 है, इसका m क्या है 2 है, और इसका m क्या है, इसका m 3 है। यानी क्या होगा दोनों का, देखिए इंटरसेप्ट दोनों का सेम है, इंटरसेप्ट सेम है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन को हम दर्शाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को इस फिगर में दर्शाते हैं यानी प्लॉट करते हैं, तो x इक्वल टू जब जीरो लेते हैं तो y इक्वल टू 1 से शुरू होता है, यानी यही कहीं होगा x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू 1, यानी यहां से शुरू होगा। लीजिए हमारा ये हो गया x y इक्वल टू टू एक्स प्लस 1। अब चलिए इसके जस्ट बाद नीचे वाले को देखते हैं 3x प्लस 1, तो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि इसका ढाल ज्यादा है यानी इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसका स्लोप ज्यादा है। चलिए इसको मानते हैं ये ऐसे जा रहा है, इसका इक्वेशन क्या है हमारा y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये भी 1 से ही शुरू होगा। क्यों 1 से शुरू होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर रहा है तो y इक्वल टू 1 ही हो रहा है, ठीक। अब इसके जस्ट बाद x इक्वल टू 4 बोला है, x इक्वल टू 4 मान लिया यहाँ है x इक्वल टू 4, तो इस पर एक हम लाइन खींच दिए, यानी लाइन को दर्शा दिए x इक्वल टू 4। ये क्या बोला है, बोला है क्या कि लाइन x इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 4 के द्वारा बाउंडेड एरिया का एरिया निकालना, यानी ये हमको निकालना है। चलिए ये हमको निकालना है x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ भी क्या होगा x इक्वल टू 4 ही होगा, और यहाँ का भी कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 4 ही होगा। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या, y का भी निकाल के दिखा देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन निकाल देते हैं। चलिए x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 तो किस में, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4 रखिए, 4 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना जाएगा 9। फिर क्या करेंगे, ये 4 है किसको काट रहा है, इसको काट रहा है ना, तो 4 इसमें डालिए तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया निकालने के लिए एक हम लोग एस स्ट्रिप ले लेते हैं, एक एस स्ट्रिप लेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो इसका चौड़ाई क्या होगा dx होगा, तो dx होगा द अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी टोटल एरिया में से, ये टोटल एरिया में से इतना एरिया घटा लेंगे तो शेडेड एरिया निकल जाएगा, शुरू से हम लोग वही काम करते आ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कहां से कहां तक, ये 0,0 होता है 0 से 4, अपर कर्व क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस लोअर कर्व 2x प्लस 1 और स्ट्रिप की चौड़ाई dx। चलिए 0 से 4 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 dx, 1 से 1 खत्म, यानी 0 से 4 और ये क्या हो जाएगा x dx, यानी हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 से 4, यानी हमारा 4 का रखेंगे 16 बाई 2 माइनस 0 यानी 8 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग ये दोनों देखेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत हो जाएगा।
चलिए हो गया, अब इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, क्या बोला है? एक्स स्क्वायर बोल रहा है ए स्मॉलर एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, यानी बोल रहा है कि इंक्लोज्ड एरिया ए स्मॉलर एरिया सर्कल और किसका लाइन का, तो इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए सर्कल का इक्वेशन दिया है, कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ टू का स्क्वायर लिखेंगे यानी टू रेडियस वाला, और इसका ओरिजिन क्या है, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से होगा, यहाँ क्या हो जाएगा वाई सॉरी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जीरो जीरो हो जाएगा, ये टू कॉमा जीरो, ये माइनस टू कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा टू। अब क्या करते हैं, ये तो हम सर्कल दिखा दिए, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हमको दिखाना है, स्ट्रेट लाइन हमको दिखाना है, तो देखिए इसका क्या होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं तो वाई इक्वल टू टू, यानी एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू टू यहाँ पे मिलता है, जब वाई इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स इक्वल टू टू यानी यहाँ पे मिल रहा है, यानी हमारे कहने का मतलब है जो लाइन होगा इस तरह से गुजरेगा, यानी एक्स यानी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक x प्लस वाई इक्वल टू टू। अब ये शेडेड एरिया यही होगा, ये शेडेड एरिया होगा, तो बोलिए कहां से कहां तक, इसको क्या कर, ये ओरिजिन है जीरो जीरो, तो चलिए इसको निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया आप लोग जानते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू जीरो से टू अपर कर्व, क्या है अपर कर्व, मेरा सर्कल है, अपर कर्व सर्कल है ना, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व क्या हो जाएगा, लोअर कर्व ये लाइन हो जाएगा, लाइन का यानी y सॉरी टू माइनस एक्स, यही हो जाएगा। एस्टिप किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, तो डी एक्स। अब इसको सॉल्व किया जाए, इसका कितना होता है, इसका होता है x बाई टू ज्यो का त्यो प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, यानी ए के जगह पर टू माइनस, इसका क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक, जीरो से टू तक, ठीक जीरो से टू तक। अब इसको सॉल्व करते हैं यहां के बाद से, इसको साफ कर देते हैं, चलिए कितना हो गया इक्वल टू एक्स बाय टू इक्वल टू एक्स बाय टू रूट अंडर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू तक, वैल्यू पुट कीजिए। एक बार जब टू डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो प्लस यहाँ टू डालिएगा तो वन आएगा, ये तो कट के क्या हो गया टू, यहाँ क्या जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ आएगा टू, तो टू का क्या होता है वन यानी पाई बाई टू माइनस यहाँ टू डालिएगा तो फोर प्लस यहाँ टू डालिएगा तो फोर बाई टू माइनस, एक बार ये जीरो वाला डालिएगा तो यहाँ जीरो तो ये जीरो कर देगा प्लस ये जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, यानी ये सब टर्म जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ से ये कट गया, क्या है पाई माइनस फोर प्लस टू, यानी बोले तो पाई माइनस टू स्क्वायर यूनिट, यानी पाई माइनस टू स्क्वायर यूनिट यानी इतना
वर्ग इकाई आंसर। चलिए कौन सा ऑप्शन है, पाई माइनस टू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब थर्ड सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एरिया लाइंग बिटवीन दी कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एंड वाई इक्वल टू टू एक्स, ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, पैराबोला का, ये आप लोग जानते हैं, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग रफली, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस में। चलिए सिमेट्रिक हो गया एक्स एक्सिस में, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ठीक। उसके बाद में y इक्वल टू टू एक्स, जब x इक्वल टू जीरो करते हैं, यानी जब x इक्वल टू जीरो करते हैं तो y भी जीरो हो जाता है हमारा, जब x इक्वल टू वन करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, टू हो जाता है। तो x इक्वल टू, सॉरी यहाँ ये क्या होगा, x इक्वल टू जीरो किए तो y भी जीरो हो गया, यानी इतना तो मालूम चल गया कि ये जब भी शुरू होगा यहाँ से होगा, लेकिन अब यहाँ पे जाएगा तो किस बिंदु पे कट करेगा, उसके लिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमको दिया क्या है, हमको इधर दिया है वाई स्क्वायर फोर एक्स, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू टू एक्स, तो y की जगह पर टू एक्स रख दिए, टू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो देखिए तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, सॉरी फोर एक्स स्क्वायर, तो फोर से फोर खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन। तो बताइए x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू जीरो यानी यहाँ से होकर ये शुरू करेगा और x इक्वल टू वन पे भी जाके इसको कट करेगा, तो x इक्वल टू जब वन डालोगे तो क्या होगा टू, यानी हमारे कहने का मतलब है यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा शेडेड एरिया हुआ, अब शेडेड एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा वन है और ये क्या है जीरो जीरो है, इंटीग्रेट कर दो अपर कर माइनस लोअर कर, अपर कर माइनस लोअर कर, तो फिर यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन कर देते हैं सेवन का। सेवन का बाकी सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, सेवन का बाकी सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से वन अपर कर्व, स्ट्रिप लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो अपर कर्व क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स यानी रूट अंडर फोर एक्स, माइनस लोअर कर्व एक्स एक्सिस यानी वाई इक्वल टू टू एक्स, y इक्वल टू टू एक्स, ये हो गया dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए जीरो से वन टू रूट एक्स माइनस टू एक्स dx, इसका हो जाएगा टू बाहर x का पावर वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन माइनस, इसका कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी जीरो से वन। अब चलिए इसका क्या हो जाएगा टू एक्स के पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस टू से टू खत्म, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा जीरो से वन। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा फोर बाई थ्री, एक्स का पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से वन, वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालिए कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री, वन का क्यूब वन माइनस वन का स्क्वायर वन है, इसको डालिएगा तो जब सब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये फोर बाई थ्री माइनस वन यानी थ्री, तो वन बाई थ्री आ जाएगा, तो वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए इस प्रकार हमारा 8.2 एक्सरसाइज समाप्त हुआ।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि नया वीडियो जो भी बने वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।